हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंजलि बालियान आप सभी का स्वागत करती हूं ऑनलाइन शिक्षण चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी एक फ्रेश न्यूज़ निकल कर आई है, बिल्कुल ताज़ा, कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में पबजी के साथ साथ टोटल 118 और चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब और नहीं होगा विनर विनर चिकन डिनर, और पबजी की बन चुकी है बिल्कुल सब्जी। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो बैन हुए हैं। दोस्तों, अगर बात करें पबजी बैन की, तो बीते पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। दोस्तों, पबजी बैन की बातें पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। बहुत बार लगा कि पबजी बैन होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों, 2 सितंबर यानी आज यह पूरी लिस्ट आपके सामने है, जबकि पबजी और कई सारे चाइनीज ऐप्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो यहाँ पर पूरी डिटेल है आपके सामने, लिस्ट है 118 ऐप्स की, जिनको फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले 30 जून को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब टिकटॉक के साथ साथ काफी सारे बड़े ऐप को बैन कर दिया गया था। तो ये है करंट अपडेट। दोस्तों, ये पूरे 118 ऐप की लिस्ट आपके सामने है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इतने बड़े बड़े ऐप्स को कर दिया गया है इंडिया में बिल्कुल बैन। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ऐप सिक्योरिटी एंटीवायरस, फोन सिक्योरिटी क्लींजर, इसको भी बैन कर दिया गया है। इसी कंपनी के काफी सारे इसमें 4-5 ऐप्स दिखाए गए हैं। कट, एक और ऐप कट नाम का, इसको भी बैन कर दिया गया है। फेस यू, इंस्पायर योर ब्यूटी, शेयर सेव बाय ज़ियोमी, कैम कार्ड बिजनेस, कैम कार्ड फॉर सेल्स फोर्स, कैम ओसीआर, इन नोट, सुपर क्लीन मास्टर, वी चैट रीडिंग, गवर्नमेंट वी चैट, स्मॉल क्यू ब्रश, P2, वी चैट वर्क, साइबर हंट लाइट, नाइट्स आउट, नो रूल्स जस्ट फाइट, लाइफ आफ्टर, डॉन ऑफ ईसल्स, लूडो वर्ल्ड, चेस रश, पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, पबजी मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम, आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, डैंक टैंक्स, गेम ऑफ सुल्तान्स, गैलरी वॉल्ट, हाइड ऐप स्लोक, ड्यूअल स्पेस, म्यूजिक MP3 प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, HD कैमरा, सेल्फी ब्यूटी कैमरा, क्लीनर, वेब ब्राउजर एंड फास्ट एक्सप्लोरर, वीडियो प्लेयर ऑल फॉर्मेट्स फॉर एंड्रॉइड, फोटो गैलरी HD एंड एडिटर, फोटो गैलरी एल्बम, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, MV मास्टर, लूडो ऑल स्टार, रेंजर ऑफ ओब्लिविशन, बाइक रेसिंग, जेड कैमरा, यू डिक्शनरी, यू लाइक, यू कू, रोड ऑफ किंग्स, सीना न्यूज, पेंगुइन FM, लर्न चाइनीज ऑल, लिटिल क्यू एल्बम, फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स, मोबाइल लीजेंड्स, VPN फॉर टिकटॉक, मार्वल सुपर वार, नेट इज गेम्स, माफिया सिटी, राइड आउट हीरोज, साउल हंटर्स, रूल्स ऑफ सर्वाइवल। तो दोस्तों, इसी तरह से काफ़ी सारी लंबी बड़ी ये लिस्ट है, 118 ऐप्स के पूरे एक तरह से आपके सामने नाम है। तो इन सभी को कर दिया गया है बैन। काफ़ी बड़े बड़े ऐप्स इसमें शामिल है पबजी के साथ साथ। तो दोस्तों देखिए, पबजी की तो अब सब्जी बन ही चुकी है, और जिन भी कंपनियों का संबंध चाइना से था, थोड़ा बहुत, भले ही थोड़े बहुत शेयर चाइना के थे किसी भी कंपनी में, तो उन सभी कंपनियों के ऐप्स को यहाँ पर कर दिया गया है बैन। तो अब चाइना की पूरी तरीके से बैंड बजा चुकी है भारत सरकार, और चाइना को बहुत बड़ा झटका इससे लगने वाला है। और हाँ दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि जब इंडिया में पबजी बैन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसकी खुशी बच्चों के पेरेंट्स को होने वाली है। जिनके बच्चे दिन भर पबजी खेलते थे, उनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पर होने वाली है। सो 1 मिनट साइलेंस फॉर पीपल हु वर लाफिंग एट टिकटॉकर्स व्हेन इट गॉट बैन। सो अब उनकी भी बारी है। दोस्तों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले 30 जून को चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को भी बंद किया गया था, इसी तरीके से बैन किया गया था भारत सरकार ने, जिनमें शामिल थे टिकटॉक के साथ साथ शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउजर, शेन, लाइकी, हेलो, वीगो, वॉल्ट, वाइवा वीडियो, वीमेट,
वीमीट, फोटो बर्नर, क्लीन मास्टर, कैम स्कैनर। तो दोस्तों इसी तरीके से पूरी लंबी लिस्ट थी जो कि 59 मोबाइल एप्स 30 जून को बैन किए गए थे। तो दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो दोस्तों इस करंट अपडेट को चारों तरफ फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे पबजी प्लेयर्स को लेकर के? क्या आपके अकॉर्डिंग ये फैसला सही है या नहीं है? तो जो भी आपके विचार है आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।